नीम करोरी की महासमाध की लीला पूर्व निर्धारित थी या अचानक हुआ था? आप, मैं इस समय बाबा नीम करोरी के आवास भोपाल में बैठा हूं और भोपाल में आपके जो परिजन तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी कहते हैं परिजन हैं, लेकिन वास्तव में जो महाराज जी के ब्लड रिलेशन में हैं, जो उनके स्वरूप में हैं, आज 5 पीढ़ियों से हम परिचय करवाते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मस्पतिका का YouTube चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल खड़ा हूं महाराज जी के समक्ष और आप देख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। आज महाराज जी का जन्मदिन है और हम उसी स्थल पर हैं जहां महाराज जी ने मानव देह लीला में मानव के रूप में जन्म लिया था। घने अंधेरों के बीच उम्मीद का दिया जलाता हूं, रोशनी आपके हिस्से भी आए इसलिए महाराज की कथा सुनाता हूं। मित्रों, किसी मुश्किल में, किसी पीड़ा में, किसी दर्द में, जीवन के किसी मोड़ पर अगर आप विचलित हो रहे हैं तो वीडियो आपके आंसू भी पोंछता है, आपको राह भी दिखाता है, आपका मार्गदर्शन भी करता है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ये बात हम आगे करेंगे, उससे पहले शुक्ला साहब से पूछते हैं कि आप पत्रकारिता के दौर से गुजरते हुए उसके बाद आपने धर्मदृष्टि पत्रिका निकाली जो यश गुणगान और प्रसिद्धि तो पाई ही पाई, लेकिन उन दिनों में जब आप उसकी संकल्पना, उसको मूर्त रूप दे रहे थे या उसको संपादित कर रहे थे तो कितनी मुश्किल आई आपको? जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। आपकी जिंदगी है और संघर्ष नहीं है तो न संकल्प लेने की शक्ति मिलती है और नहीं काम करने में आनंद आता है। जिंदगी के जिस दौर में जब हमें किसी ने चुनौती दी तो मैंने उसे समय की मेहरबानी समझी, स्वीकार और उसी क्षमता से स्वीकार करने की कोशिश की और हम उससे विरोधी नहीं हुए। उससे कहा कि आओ गले लग के साथ चलो और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं इसका श्रेय मैं अपने बेटे, अपनी पत्नी और पुत्र वधु है, हमारी बेटी है जो मेरा एक छोटा सा परिवार महाराज जी ने दिया है, और जब जब संघर्ष की बेला आई तब तब मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ और इसमें महती भूमिका हमारी धर्मपत्नी ने निभाई और मैं पूरे दावे के साथ इस सफलता भरे दौर का पूरा श्रेय मैं अपनी पत्नी को देता हूँ। उनका शुभ नाम तो बता दें। आप देखते हैं रसोई में काम करती हैं, उनका नाम मैं तो हमेशा उन्हें करुणा शुक्ला कहता हूँ क्योंकि आपके चैनल पर मुझे कोई स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि वो पत्नी भी है हमारी। कभी मातृत्व की आवश्यकता होती है तो वो माँ का पूजन करती हैं और रोज करती हैं, महाराज जी का जब पूजन करती हैं तो यज्ञ करती हैं वहाँ पर रोज। मैं इतनी पूजा नहीं कर पाता हूँ, मैं तो केवल ये जो आपके वीडियो बनाता हूँ या रसोई की व्यवस्था है या कहीं वस्त्र वितरण है इसमें मेरा समय चला जाता है, या फिर मैं यात्रा करता हूँ तिजनी में है, ध्रुवी जी को लिया और साथ चल दिया, तो हमारा समय इसमें चलता है और मैं इसी को पूजा मानता हूँ। वो विधिवत पूजा करती हैं और जीवन में कई बार ऐसा लगा कि वो भी छुट जाएंगी, और एक बार जब हमारा बेटा हुआ उस समय सर्जरियन हुआ था तो उस समय डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये ख़त्म हो गई, तो मैं अकेला खड़ा था, समय का ये दौर था और मेरे पास 4 कंधे नहीं थे। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं और तभी डॉक्टर ने कहा अरे अभी जान है
और ऑपरेशन किया, मेरा बेटा हुआ और बेटा मेरा ये सब संभालता है और बेटा भी मेरा एक दोस्त ज्यादा है जी, सब काम धाम संभालता है। और दस्तक मीडिया धर्म दस्त परिवार जो पूरा जो एक है उन वो सब मेरी ताकत है, चाहे वो रसोई में कोई काम कर रहा हो, चाहे वो पत्रिका में काम कर रहा हो, चाहे हमारे साथ वीडियो बनाने में लगे हो, तो ये सब मेरी एक ताकत है और मेरे पूरे परिवार ने मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि संघर्ष बहुत आए। पत्रकारिता का दौर हमारा चला, विभिन्न अखबारों अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अखबारों में हमने लिखा, तो उस दौर में भी हमने अपने जमीर को जिंदा रखा, मेरा परिवार मेरे साथ रहा और ये यात्रा चलती रही और इसमें पूरे परिवार का सहयोग भी है और आज भी मेरा परिवार मैं गर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने पूछा था आपसे कि धर्म दृष्टि को निकालना, क्योंकि मैं स्वयं मीडिया से जुड़ा हुआ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि किसी पत्रिका को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना बहुत श्रम और संकल्पना की मांग करता है। पत्रिका 2016 में शुरू हुई, अखबार को मैंने अलविदा कहा और पत्रिका के विभिन्न विषयों को लेकर हमने प्रकाशन शुरू किया। जैसा आपने बताया कि श्रम भी है, संकल्प भी होना चाहिए, आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए, वो विज्ञापनदाताओं से हमने जुटाए और मैंने एक काम किया था, अखबार से मैंने सीखा था कि जो विज्ञापन लें उसकी रसीद जो अखबार से आए वो दें, मेरा हक उसके कमीशन पे था, TDS करके चेक आता था। मैं पूरे जीवन में एक बिलस्त जगह नहीं खरीद पाया कहीं पे, कोई ऐसी आर्थिक संसाधन, अभी भी लोग सोचते हैं और मैं आज मेरे पास दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल है, उस पर फख्र से चलता हूँ, कोई चिंता नहीं है और लोग सोचते हैं अरे साहब ये गाड़ी से आए होंगे या नहीं, ये सब चीज़ें परे हो गई हमारे। इन परिस्थितियों के बीच में जब ये हुआ तो इधर जब महाराज जी की गाथाएँ चली तो जो पत्रिका 2016 में हमें प्रकाशित करनी थी उसको हमने नवंबर में तैयार कर लिया और उसका विमोचन भी करा दिया और हमने समय से उसको सबको दे भी दिया। मैंने बहुत कम मूल्य रखा था, प्रकाशन से भी कम मूल्य रखा था और ये सही बात है कि आज जो दौर है वो प्रिंट मीडिया बहुत पीछे चला गया है और नया युग है, उसके साथ चलना पड़ेगा हमें, तो ये यात्रा चलती रही। ये महाराज जी की रसोई शुरू हुई और ये वीडियो, लोगों से मिलना, ये जब ये दौर और आए तो उसमें केवल एक बात यह हुई कि पत्रिका को संपादित करने का समय कम मिला हमको। जैसे अभी मैं आया हूँ तो महाराज जी के अंक जिस दिन से महाराज जी को मैंने समर्पित कर दी और लगातार मैंने सोचा, पहले ये सोचा था कि एक अंक निकालूंगा और हमारे विज्ञापनदाता हम उनको धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और विज्ञापन मिला, पैसा मिला, उसमें से बचा हमें, हमने अपने परिवार का पालन पोषण किया और उसी से हमने पत्रिका निकाली, एक यह जरिया हमारा बना। जहाँ तक प्रश्न यह है कि जब हम उसे बेचते थे तो एक दौर कोरोना के समय यह आया कि अब कैसे निकालें, 96 पेज की थी पहले, मैंने उसको 60 पे किया फिर अब, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया। महाराज जी को समर्पित हुए, 9 अंक निकल गए, जब मुझे लगता था एक अंक के बाद एक निकालूंगा, दो निकालूंगा, महाराज जी 9 अंक निकल गए, 10वां भी छप रहा है और 11वां भी तैयार है और वो भी बस, और दोनों को डिस्पैच भी मैं साथ साथ करूंगा, आपको भी भेजूंगा। और केवल एक बात कहना चाहूंगा कि दौर भले ही प्रिंटिंग प्रेस का पीछे चला गया होगा लेकिन अभी कभी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज भी एक ऐसी पीढ़ी है, हम जैसी हमारे दौर की जो पीढ़ी है वो हाथ में लेके पढ़ना ज्यादा पसंद करती है। तो महाराज जी के फोटो अगर किसी को चाहिए तो पत्रिका आती है तो पत्रिका में छपे होते हैं, तो अब वो केवल मोबाइल में तो कहीं से भी हो सकता है लेकिन घर में रखा है
तो वो एक अलग बात होती है। तो इस तरह से कोई उसमें परेशानी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी लेट हो जाता हूँ, तो भाई आपके अंक तो लगातार भेज रहा हूँ। और डिजिटल से एक और फायदा है, महाराज जी की गाथाओं को देश और विदेश में, कई देशों में धर्मदृष्टि पत्रिका जा रही है। जी, जी, जी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आप लोग इसे पढ़ रहे हैं। और बस मेरा एक ही संकल्प रहता है, या एक जो गवर्निंग बॉडी जो बनी हुई है हमारी, वो उसमें केवल एक बात है कि सच जाए, सच के अलावा कुछ न जाए। इसलिए आज भी पत्रिका भी अपने पूरे वेग से आगे है और आपका चैनल भी है। पत्रिका निकालने के बाद फिर आपके भीतर एक आत्मविश्वास आया होगा जी, और उसके बाद समय के अनुरूप, हालांकि प्रिंट मीडिया के लोगों पर ये आरोप लगता है कि वो समय के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाते, वो एक ट्रेडिशन में चलना पसंद करते हैं, लेकिन आपने समय रहते समय के साथ चलने का, यूट्यूब का जो दौर आया उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने का जो एक अवसर आपने देखा, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को कुछ बताएं कि कैसे आपके मन में यह ख्याल आया और कैसे आपने उसको उसकी शुरुआत की, क्योंकि वो भी एक शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में तो फिर आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे डर लग रहा है थोड़ा, और डर किन से लग रहा है मैं डरते डरते भी बताऊंगा सही। मित्र से कभी डर लगता है, और मेरा बेटा जो है, बेटे को तो मैं आदेश देता हूं लेकिन मित्र से सलाह करता हूं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आने का जो श्रेय है वो मेरे बेटे को है, और बेटे ने इसे बिल्कुल पूरी तरह से संचालित किया, क्योंकि लगभग आज भी फोटो भिजवा दूंगा आपको, आधा दर्जन जो अभी वर्तमान में केंद्र में मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे वो डिपार्टमेंट हैं उनके पास, उनके हमने इंटरव्यू लिए हैं। मुलायम सिंह जी, हम उनका उल्लेख इसलिए करना चाहूँगा कि मैं उन विद्यार्थियों में से रहा हूँ जिन्होंने उन्हें पढ़ाया, उन्होंने हमें पढ़ाया जी। और उनसे कई बार मुलाकात हुई, अब मैं वो नाम नहीं बताऊँगा जो अभी पदारूढ़ हैं और वो चले गए, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। तो जब मैं शंकराचार्य जी के इंटरव्यू लेने गया, मैं वहाँ से आया, और वो एक बार हमारा बेटा मेरे साथ गया, एक शख्सियत से मैं बात कर रहा था प्रिंट उसके लिए, और तो उसने एक वीडियो बना लिया। तो जब घर में एक बार चर्चा हुई कि बोले कि पापा आप वीडियो बना, तो मैंने कहा मैं तो भाई प्रिंट मीडिया का आदमी वही कर पाऊंगा। फिर जब उसने ये दिखाया कि आप अच्छा कर सकते हो, और आप एक काम करिएगा, आप महाराज जी की गाथाएं सुनो, आपका जो अंदर भरा हुआ है वो लोगों को दीजिएगा। तो अंदर जो था वो बाहर निकल के आया जी, जी। और उसका श्रेय मेरे बेटे को। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे भाई साहब के जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देखेंगे गौर से, किसी में कोई आडंबर नहीं है। महाराज जी की शिक्षा बिल्कुल इनके ऊपर लागू होती है, बिल्कुल सरलता से उनकी बड़ी बड़ी कथाएं जिनमें उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, बहुत बहुत सारी घटनाएं हैं, बड़ी सरलता से आपको सुनाते हैं, और यही कारण है कि वो हम जल्दी ग्रहण भी कर लेते हैं, उससे कई लोग भी प्रेरित होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि क्या कोई वीडियो किसी के आंसू भी पोंछ सकता है, क्या कोई वीडियो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी ला सकता है, क्या वीडियो किसी के दर्द किसी की पीड़ा को कम कर सकता है, तो इसका जवाब हाँ है। आपको कभी जब आपने शुरुआत की इसकी कथाओं का दौर चला जब, तो कुछ वीडियोस आने के बाद कोई फीडबैक आपके पास आया, या लोगों का फोन आपके पास आया कि नहीं आपकी आपके जो वीडियो हैं वो किसी
हमारी ये समस्या थी उसका समाधान हो गया, या हम किसी जीवन के किसी मोड़ पे फंसे थे, मार्गदर्शन मिल गया, या मेरी कोई पीड़ा थी वो पीड़ा खत्म हो गई, या मैं रो रहा था मेरे आंसू रुक गए। उषा जी, जब मैंने कथाएं सुनाने शुरू की तो उस पर कमेंट आने शुरू हो गए। और एक मजे की बात बताता हूं, जरा जल ले लेता हूं। YouTube पर जब महाराज जी की गाथाएं मैंने शुरू की तो देखते थे कितने लोगों ने देखी, और हर घंटे पे आधे घंटे बाद व्यूज चेक करता था कितने हो गए इस पे। और जब 50 व्यूज हो जाते थे तो मैंने जैसे बताया कि बेटा हमारा मित्र भी है, तो मैं उससे कहता कि बेटा 50 हो गए, बोले 50 लग गई। और जब 100 व्यूज हो जाते थे तो बिल्कुल वही महसूस करता था जो क्रिकेट में शतक लगता है। और मेरे लिए एक एक व्यूज बहुत महत्वपूर्ण है आज भी। ये जो प्राथमिक बातें मैंने आपको बताई, ये इसलिए बताई, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके, आपने जैसे कहा, मैंने तो उससे पहले नहीं पूछा था कितने सब्सक्राइबर हैं, आपने कहा कि आप सबका इंटरव्यू लेते, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, तो मैंने कहा जैसा आप कहेंगे। और उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए आदमी को जी। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके भी हमने इंटरव्यू देखे हैं, और पूज्य रब्बू दादा, पूज्य संजीव दादा, पूज्य उषा बहादुर दीदी, इनके आपने जो इंटरव्यू लिए हैं, मुझे लगा कि आप ऐसे व्यक्तित्व तो हैं कि आप सही बात करने के बिल्कुल पक्षधर में हैं, और मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप यूं ही चलते रहिएगा। मैं सबसे कहता हूं, आपसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि महाराज जी की प्रमाणिक कथाएं हैं, महाराज जी के सानिध्य में जो भक्त रहे हैं उनके अपने अनुभव हैं, और उनको आप आगे लाएं। आप जब रबुदा की बात करते हैं, आप संजीवदा की बात करते हैं, आप दीदी की बात आती है, जो भी आपने साक्षात्कार लिए मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये मेरा सौभाग्य है। अभी तक प्रिंसिपल के रूप में जाता था और पूछना शुरू करता था, आज मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ, आप प्रधानाचार्य के पद पे हैं, और आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एग्जाम लेने गया हो और कह दिया जाए कि भाई ये लो पेपर कॉपी और दो एग्जाम, भाई मेरी हालत है। और मैं मिश्रा जी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए मैं इनके सानिध्य में बैठा गौरवान्वित हूँ। तो जैसा कि मैं पूछ रहा था कि कई बार हमारे पास फीडबैक आते हैं, कोई लोग कहता है कि नहीं मैंने आपका वीडियो देखा और वो पसंद हुआ और वो हुआ, तो आपका इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने देखे हैं, मैं जानता हूं कई लोगों को जो आपकी वीडियो को देख के किसी गहरी समस्या में फंसे थे और उनको समस्या का समाधान मिला, आपको खबर है, तो आपके पास जरूर वो सूचना होती होगी, आती होगी, और आपको एक अंदर से एक ऐसा महसूस होता होगा कि चलो मैं एक अच्छी राह पे हूं। ये ऐसे बाउंसर हैं कि निकलने नहीं देंगे इस प्रश्न पर। मित्रों, सच में बहुत लोगों के फोन भी आते हैं और फोन पर मैं बात भी करता हूं, लोग अपने अनुभव भी बताते हैं, और जब वो ऐसे दौर पे होते हैं कि जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो महाराज जी की गाथा से प्रेरित होके उनके जीवन में प्रकाश प्रकाश हो जाता है, उसमें मेरा कोई शर्म नहीं है, मुझे तो महाराज जी की गाथा सुनानी है।
मेरा कोई उसमें अलग से कोई योगदान नहीं है। हाँ, फोन पे बात हो गई तो मैं बता देता हूँ कि भैया वो वीडियो देख लीजिएगा, जिस तरह से उमा दत्त शुक्ला गोमती नदी पर अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे। आपको याद होगा मैंने ये गाथा सुनाई थी। महाराज जी से प्रथम मुलाकात थी, तांगे पे बैठे थे और उन्होंने कहा था, क्यों शुक्ला, इसी में मरना चाहता था? और ये बात शुक्ला जी ने किसी को नहीं बताई थी। तो एक प्रकाश हुआ था जिससे डर के उमा दत्त शुक्ला चले गए थे, लौट गए थे, सुसाइड नहीं किया था। तो जब इस कथा को कोई ऐसा देखता है, किसी के मन में आत्महत्या की बात आती है और वो जीवन की ओर लौट जाता है, सच में मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे आजकल का दौर है उसमें लगभग जितने भी हनुमान मंदिर हैं उसमें धीरे धीरे बाबा की प्रतिमा स्थापित हो रही है, विग्रह की स्थापना हो रही है, और जैसे जैसे कथाएं लोगों तक पहुंच रही हैं लोग, अच्छा ऐसा भी है कि ऐसे संत भी थे, क्योंकि नई जनरेशन का दौर है तो इसमें सूचनाएं जल्दी पहुंच जाती हैं लोगों तक, पहले वो सुलभ नहीं था। तो ऐसे में बहुत तरह की चुनौती भी है सामने। तो बाबा के एक भक्त होने के नाते क्या आपको कुछ ऐसी चुनौतियां दिखती हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी के जो विग्रह स्थापित हो रहे हैं वो बिना उनकी इच्छा के नहीं हो सकते। महाराज जी जब मानव देह लेबला में थे तो तत्कालीन राज्यपाल के मुंशी जी ने गजट में रेल रोकने वाली घटना लिख दी थी, और जब उनसे मुलाकात हुई थी तो महाराज जी ने बहुत डांटा था। महाराज जी फोटो नहीं खींचने देते थे जी। महाराज जी और कोई खींच ले तो आता भी नहीं था वो भी बहुत कथाएं हैं। महाराज जी का एक वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था, वो कथा मैंने सुनाई थी, वो महाराज जी ने फिर डिस्ट्रॉय करवा दिया था। एक ऐसा दौर रहा था, फिर वही महाराज जी फोटो लेना चाहता है, चला फोटो खिंचवा ले। अजीत शुक्ला जी हैं कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, दो बार रह चुके हैं वो। उन्होंने एक बार एक योजना बनाई कि महाराज जी के साथ लड़कपन था, फोटो मैं भेजवा दूंगा आपको। तो वो उनके पैर दबा रहे हैं उस फोटो में, तो उनके पिताजी थे उनके भक्त, तो उन्होंने लड़कपन में ये जुगाड़ लगाई कि साहब महाराज जी के साथ फोटो खिंचवानी है। एक कैमरा ले आए, एक आदमी को सेट कर लिया कि जब हम महाराज जी के साथ निकलेंगे तो तुम फोटो खींच लेना। अब आदमी सेट कर दिया, हम वो महाराज जी के साथ सोच रहे थे जब ये उठे तो थोड़ी देर बाद आवाज आती है, ए शुक्ला का लड़का कहाँ है, इधर आ। वो बताते हैं कि मेरी तो दम निकल गई, मैं पकड़ा गया। सहमते हुए जब पहुंचते हैं, चल फोटो खिंचवा वो भी है किस पे कब कृपा हो जाए पता नहीं। जो विग्रह स्थापित हो रहे हैं हनुमान जी है, वो मुझे आपके चैनल पर पूरे गौरव के साथ, मैं अपने मत से आज कह रहा हूं, अपने चैनल पर कहता हूं कि आप अपना मत दीजिएगा, मैं अपना मत देता हूं कि बाबा नीम करोरी हनुमान के स्वरूप है, हनुमान के रूप है। मैं भी सहमत। और अब वो अवतरित हो रहे हैं, विग्रह स्थापित हो रहे हैं, और कहां कहां कैसे कैसे विग्रह, हर विग्रह की एक कहानी है। टाउस के विग्रह के बारे में हमने बताया था, उड़ते हुए हनुमान जी, फ्लाइंग हनुमान जी हैं। हमने नीम करोरी धाम में जो महाराज जी पधारे हैं उनके बारे में भी बताया था। अभी हाल ही में कल महाराज जी पधारे बिरला मंदिर में, है ना, फोटो देखेंगे आप, आपके पास है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वो विग्रह भी
उसका एक बहुत अच्छा इतिहास है। भक्तों ने स्वरूप दिया, कहीं और का संकल्प किया, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाऊंगा वहां, मैं दिल्ली वाले बिरला मंदिर में बैठूंगा, और वो कल विराज गए। तो इस बात से अभी परिचित है। तो ये दौर है, और मुझे लगता है कि महाराज जी ने भक्तों की पुकार सुन ली है, और वो अब अपने दर्शन उनकी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाराज जी के नाम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें प्रोडक्ट के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने तरीके से उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो बाबा की कृपा है, किसी का व्यवसाय चल जाए, किसी का उद्धार हो जाए, किसी का रोजगार बन जाए, तो वो तो कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे लेवल पे जाके वो की जाए तो शायद उस पर बाबा का भी ऐतराज होगा। मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न मुझे भी व्यथित करता है। मेरी इस प्रश्न पर टिप्पणी करने की कोई हैसियत नहीं है, मैं भी इस प्रश्न को पूछता हूं कभी कभी, जो महाराज जी का सानिध्य पाए भक्त हैं। बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैं जानता था कि अभी बहुत कम भक्त रह गए हैं, लेकिन आज भी जो महाराज जी के मोती हैं वो हैं। जब जब मौका लगे आप भी प्रश्न उनसे पूछिए, मैं भी उनसे पूछूंगा और उनके जवाब दर्शकों को बताएंगे। अपने जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया जहां पे आपको लगा कि केवल बाबा ही मुझे बचा सकते हैं?